जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सअप बीटा वर्ज़न। जी हाँ, जब हम व्हाट्सअप का बीटा वर्ज़न में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उस वक्त हमें यहाँ साफ साफ लिख के आ जाता है कि आप बीटा वर्ज़न फुल है। तो दोस्तों, इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं, और 100% ये ट्रिक वर्क करती है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा कमेंट्स के अंदर, तो उसमें कुछ लोग कमेंट्स ये करते हैं कि वो कुछ ट्रिक काम नहीं करती है, या तो फिर आप वो सही से समझ नहीं पाते, या सामने वाला बंदा जो है वो सही से आपको समझा नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो जो बंदों का नहीं भी होता है तो वो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, मैं एंड में उसके भी बारे में उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा कि उनका क्यों नहीं हो रहा और कैसे होगा। तो दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं ये व्हाट्सअप मैसेंजर है, इसमें याद ये देखिए बीटा वर्ज़न फुल दिखा रहा है, बीटा प्रोग्राम इज़ फुल। तो दोस्तों, अब मैं इसको बीटा वर्ज़न में कैसे कन्वर्ट करूँगा वो भी आप देख लीजिए, ये रियल ट्रिक है और कोई फेक नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, जो न्यू है फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल का नाम है आर टेक्निकल इंडियन। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यह सर्च करना है व्हाट्सअप। आप इसमें व्हाट्सअप बीटा वर्ज़न भी लिख सकते हो, या फिर अगर व्हाट्सअप बीटा भी कर दिए तो भी आप उस एप्लीकेशन उस जगह तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ मैं व्हाट्सअप बीटा डाउनलोड कर रहा हूँ, तो देखिए मैं आ गया उस जगह पे। आप चाहे तो व्हाट्सअप बीटा, व्हाट्सअप मैसेंजर बीटा करके आप सर्च करोगे तो भी यहाँ आप आ जाओगे। यहाँ आने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। तो बहुत से भाइयों का यहाँ आने के बाद भी नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा वो भी बताता हूँ और कैसे होगा। तो दोस्तों, यहाँ क्लिक करता हूँ मैं। अब जैसे क्लिक करूँगा तो इस तरह से पेज आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे भाई ऑलरेडी बीटा वर्ज़न में ज्वाइन होते हैं, उसके बाद वो बीटा वर्ज़न से बाहर निकल जाते हैं, उसे कैंसिल कर देते हैं। तो उसके बाद उनके वो आईडी से वो वापस उसमें लॉग ये होना चाहते हैं, बीटा में ज्वाइन होना चाहते तो हो नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मैं उसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि या आप एक ऑप्शन देख रहे हैं या बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा ये अकाउंट है। इस अकाउंट से मैं जब ये इसमें ये करूँगा, ज्वाइन होने की कोशिश करूँगा तो क्या दिखाता है, और इसमें ज्वाइंट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको बताने के वास्ते मैं बीटा वर्ज़न से बाहर निकल गया हूँ, लेवल से बाहर निकल गया हूँ, इसलिए क्योंकि मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँ कि कैसे ज्वाइंट होते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं वापस इस बॉक्स पर टच करता हूँ, और टच करने के बाद मेरे पास एक दूसरा ईमेल आईडी है, उस आईडी से मैं करता हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, उस आईडी से जब मैंने किया तो यह मुझे सक्सेसफुली दिखा दिया गया है, वेलकम टू टेस्टिंग प्रोग्राम, बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों, उसके बाद मुझे यहाँ नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद डाउनलोड गूगल प्ले, तो मुझे इस पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों, यह मुझे ऑप्शन आ गया है कि मैं बीटा इसमें जॉइंट हो गया हूँ, मुझे यहाँ से ये अपडेट करना है। और ये रहा मेरा मेन अकाउंट जो है आर टेक्निकल इंडियन के नाम से। तो दोस्तों, मैं यहाँ से जैसे ही इसको अपडेट करूँगा तो मैं बीटा इसमें ज्वाइंट हो जाऊँगा। और जो भाइयों का नहीं हो रहा है तो वो कमेंट में कुछ ना लिखते हुए मैं पहले ही उनको बता दे रहा हूँ कि क्या करना। ये देखिए, ऊपर आप देख रहे हैं, ये मेरा स्टार्ट हो गया है, अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, अपडेट हो रहा है मेरा, और मैं बीटा यूज़र में ज्वाइंट हो गया हूँ, ज्वाइंट हो जाऊँगा अपडेट होने के बाद। वैसे तो मैं ज्वाइंट या दिखा दिया है कि मैं बीटा टेस्टर में ज्वाइंट हो गया हूँ। तो भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ ये बैक होके वापस से एक बार, कि जो आप जो गलती जो कर रहे हो वो क्या करते हो कि आप इस लेवल से बाहर होने के बाद इसमें वापस जाने की कोशिश करते हो, तो वो आपको सक्सेसफुली नहीं दिखाता है, वो आपको अनसक्सेस दिखा देता है। क्योंकि दोस्तों, आप जो है वो अपने जो पहली आईडी है
उस आईडी में जाने के बाद आप उसको वहाँ से ये हो जाते हो, बाहर निकल जाते हो, इसलिए वो आपको ले नहीं पाता है ग्रुप के अंदर, मतलब जो बीटा टेस्टर उसके अंदर वो आपको ले नहीं पाता है। ये प्रॉब्लम की वजह से आपको बीटा वर्जन में जॉइंट होते नहीं आता है, वो फुल दिखा देता है दोस्तों, जो बीटा टेस्टर है वो फुल दिखा देता है। तो दोस्तों मैं जो ट्रिक बताया है ये 100% वर्क करती है, और जो भाइयों को वर्क नहीं करेगी उसकी भी मैंने आपको आइडिया दिखा दिया हूँ कि आपको जो है यहाँ जाके बॉक्स पे जाकर जो दूसरा ईमेल आईडी होता है आपके पास, जो आईडी दूसरा है उससे जाकर आपको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, जैसे क्लिक करोगे आप तो ये आप बीटा टेस्टर में ज्वाइंट हो गए, ये दिखा देगा आपको। आप जो नए फ्यूचर जो आते हैं व्हाट्सएप में वो आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद दोस्तों जो फाइनली जो मेरा मेन अकाउंट है आर टेक्निकल के नाम से, तो दोस्तों वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि मैंने किया तो दूसरे आईडी से, लेकिन आपको ये प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्ले स्टोर में जाने के बाद मैं अपनी ये आईडी, ये देखिए आर टेक्निकल इंडियन के नाम से जो मेरी आईडी है उससे ही मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि उसमें ये बीटा टेस्टर से मैं ज्वाइंट हो गया हूँ अपने व्हाट्सएप में। ये देखिए 5 मिनट पहले, ये देखिए व्हाट्सएप मैसेंजर बीटा। तो ये आप देखिए यहाँ से जो था फुल वाला ऑप्शन ये निकल गया है, जो फुल वाला ऑप्शन था वो निकल गया और मैं इसमें ज्वाइंट हो गया। तो दोस्तों सिर्फ आपको करना क्या है कि दूसरी कोई आईडी से आपको इसमें ये ओके करना है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया हो, तो आप जो मेन आईडी है उसमें भी आप बीटा टेस्टर से ज्वाइंट हो जाएंगे। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, और सबसे बड़ी बात दोस्तों सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।